दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले सोनी की 2020 की बजट टीवी रेंज के बारे में, यानी कि X7500H के बारे में। साथ ही साथ इसे कंपेयर करेंगे पिछले साल की X7000G से और साथ ही साथ इस साल की X8000H के साथ। ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, इस वीडियो को अंत तक देखना। लेकिन आगे बढ़ने के पहले जो लोग नए हैं, नीचे दिया हुआ लाल सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए और अपने बंधुओं के साथ जुड़ जाइए, और रेगुलर वीडियो अपडेट्स के लिए बेल आइकन जरूर दबाइए। तो मैं हूं मनु, आपका शॉपिंग बंधु। लगे हाथ, शुरू करते हैं। सोनी की बजट 4K एलईडी टीवी सीरीज यानी कि X7500H का 43 इंच वेरिएंट इंडिया में लॉन्च हो चुका है। इसकी एमआरपी है 61,000 रुपीस, और अगर हम पिछले साल की बजट सेगमेंट यानी X7002G की स्टार्टिंग एमआरपी से इस एमआरपी को कंपेयर करें तो 5,000 रुपए का फर्क है। X7002G 66,000 में लॉन्च हुई थी, तो यहां पे सोनी ने एक अच्छा डिसीजन लिया है, काफी कम प्राइसिंग पे अपनी 43 इंच वेरिएंट को लॉन्च किया है। साथ ही साथ अगर हम मार्केट में इस टीवी को लेने जाते हैं तो आपको करीबन 8-10% कम देना पड़ता है, क्योंकि ये एमआरपी और एमआरपी से सस्ते में आपको टीवी मिलती है। तो अगर आपको ये टीवी 54-55,000 रुपीस में मिल रही है तो मेरे हिसाब से बहुत बढ़िया इसकी प्राइसिंग होगी, बहुत बढ़िया डील होगा। साथ ही साथ अगर हम इसके दूसरे वेरिएंट्स के बारे में बात करें, यानी 49 इंच, 55 इंच और 65 इंच, ये अभी तक अनाउंस नहीं हुए हैं, लेकिन आगे 15-20 दिन में आपको इनका लॉन्च भी सुनने को मिल सकता है। बात कर ले इसके स्पेसिफिकेशंस की, तो यहाँ पे आपको बहुत ही बढ़िया आईपीएस पैनल देखने को मिल जाता है, यानी आपको व्यूइंग एंगल्स बहुत बढ़िया देखने को मिलने वाले हैं। 10-bit कलर पैनल है, व्हाइट कलर गैमेट के साथ आता है, 1 billion कलर्स के साथ। साथ ही साथ यहाँ पे 43 इंच वेरिएंट में आपको एच एलईडी बैकलाइटिंग देखने को मिलती है, और वही सेम आपको 49 इंच में भी देखने को मिलेगी। 55 इंच और 65 इंच वेरिएंट्स में आपको डायरेक्ट एलईडी बैकलाइटिंग देखने को मिल सकती है, लेकिन यहाँ पे आपको लोकल डिमिंग फैसिलिटी कोई भी वेरिएंट में नहीं देखने को मिलने वाला है। ये टीवी एंड्रॉयड टीवी है, पिछले साल की जो टीवी थी, बेस मॉडल टीवी थी X7002G, वहाँ पे आपको एंड्रॉयड नहीं देखने को मिल रहा था, वहाँ पे लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम था। लेकिन इस साल बेस मॉडल यानी बजट सेगमेंट में भी सोनी ने एंड्रॉयड डाला, एंड्रॉयड 9.0 के साथ आ रहा है, क्योंकि एंड्रॉयड है तो ज़्यादा एप्लीकेशन होते हैं, और सोनी के जो प्ले स्टोर होता है, सोनी में जो गूगल प्ले स्टोर है, वहाँ पे आपको 5,000 से भी ज़्यादा एप्लीकेशन देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे आपको 16 GB इंटरनल स्टोरेज भी देखने को मिल रहा है। रैम कितना है इस टीवी में, ये सोनी ने अनाउंस नहीं किया है। साथ ही साथ अगर हम साउंड के बारे में बात करें तो 20 W का साउंड आउटपुट है, 2 10-10 W के स्पीकर्स आपको देखने को मिल जाएंगे। साथ ही साथ 3 HDMI पोर्ट और 2 USB पोर्ट आपको इस टीवी में देखने को मिल जाएंगे। तो ये कुछ स्पेसिफिकेशन है सोनी के X7500H सीरीज के बारे में। अभी क्या फर्क है इस टीवी सीरीज में और पिछले साल की बजट सेगमेंट सीरीज में, तो दोस्तों यहां पे अगर हम देखें तो सबसे जो फर्स्ट फर्क है वो है एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम। पिछले साल की जो बजट सेगमेंट टीवी थी X7002G में लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम था, तो ये एक मेजर फर्क है। साथ ही साथ इंटरनल स्टोरेज भी है, 16 GB इंटरनल स्टोरेज, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ इतना स्टोरेज नहीं था क्योंकि एप्लीकेशन उतने नहीं थे, तो यहाँ पे 16 GB इंटरनल स्टोरेज आपको देखने को मिला है। और एक और जो मेजर फर्क है वो है पिक्चर प्रोसेसर। पिछले साल की बजट सेगमेंट X7002G में कोई भी पिक्चर प्रोसेसर नहीं था, इस साल बजट सेगमेंट टीवी में भी पिक्चर प्रोसेसर आपको देखने को मिलेगा, और इस पिक्चर प्रोसेसर के वजह से जो कॉन्ट्रास्ट रेशियो है, जो ब्राइटनेस है, वो उसमें थोड़ा आपको बम्प देखने को मिलने वाला है। अब बात उठती है क्या फर्क है इस टीवी में और इस साल की एक हायर मॉडल यानी X8000H सीरीज में। X8000H के बारे में मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया, यहाँ पे कहीं लिंक आ जाएगा, आप क्लिक करके देख सकते हैं। अगर मैं इन दोनों टीवीज को कंपेयर करूँ तो यहाँ पे सबसे मेजर फर्क है पिक्चर प्रोसेसर का, दोनों के पिक्चर प्रोसेसर में काफ़ी फर्क है, और उसी वजह से जो कॉन्ट्रास्ट रेशियो है और ब्राइटनेस में फर्क आपको देखने को मिल जाएगा। X8000H में आपको 550 निट्स की पीक ब्राइटनेस देखने को मिल जाती है, उतनी ब्राइटनेस आपको ये टीवी में नहीं देखने को मिलेगी। एग्जैक्ट नंबर्स अभी तक सोनी ने आउट नहीं किए हैं, और यही एक मेजर रीजन है कि X8000H डॉल्बी विजन को भी सपोर्ट करता है। X7500H में आपको
HDR10 और HLG का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा, लेकिन इस टीवी में डॉल्बी विजन का सपोर्ट नहीं है। तो ये एक मेजर फर्क है अगर हम दोनों टीवीज को कंपेयर करें। साथ ही साथ अगर हम माइनर फर्क के बारे में बात करें तो यहाँ पे आपको X8000H आपको 4 HDMI पोर्ट देता है, ये टीवी आपको 3 HDMI पोर्ट देती है। तो ये कुछ फर्क है दोनों टीवीज में, लेकिन जो मेजर फर्क है वो है पिक्चर प्रोसेसर का, वही काफी इंपैक्ट कर देता है ब्राइटनेस लेवल्स पे, कॉन्ट्रास्ट पे और डॉल्बी विजन की कैपेबिलिटी पे। साथ ही साथ एक और फर्क है जहां X8000H में आपको Amazon Alexa और Apple AirPlay 2 का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, ये वाली टीवी सिर्फ Google असिस्टेंट का सपोर्ट करती है। तो यहां पे आपको Amazon Alexa और Apple AirPlay 2 Apple HomeKit का सपोर्ट नहीं देखने को मिलने वाला है। प्राइसिंग के मामले में X8000H सीरीज मेरे हिसाब से 15% ज्यादा महंगी मिलेगी आपको इस टीवी सीरीज से। अभी तक ऑफिशियल प्राइसेस अनाउंस नहीं हुए हैं और जैसे ही होते हैं मैं अपडेट कर दूंगा आप लोगों को, साथ ही साथ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, उम्मीद है आपको ये इन्फॉर्मेशन X7500H टीवी सीरीज की अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद है इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों का शेयर कीजिए और जो लोग नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए वो नीचे लाल बटन दबाकर। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ नए कंटेंट के साथ। जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ, स्टे हेल्दी स्टे मोटिवेटेड। जय हिंद।